ये देखिए दोस्तों, फूफा की दुकान पे आ गए हैं, तो चल रहे हैं थोड़ा बिस्कुट दो पैकेट लेंगे। ये देखिए, हाँ फूफा दे बिस्कुट दे दिया जा, पाल लीजिए। ये देखिए दोस्तों, पाल लीजिए, ले रहे हैं अभी दोस्तों बिस्कुट का पैसा फूफा जी को दे दे रहे हैं, लीजिए। वीडियो बना दी फूफा, देखो जा दिखे थे मम्मक पानी दे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए हमारी सृष्टि बैठी हुई है। हाँ गुड मॉर्निंग बोल दोस्तों, आप लोग अच्छे हैं कि नहीं दोस्तों बताइए। और अभी दोस्तों हम चल रहे हैं सब्जी शॉप में। ये देखिए तड़का मार चुका है, आलू प्याज की सब्जी दोस्तों बना रहे हैं। चूल्हा बड़ी आलू की दोस्तों बहुत पसंद है, दाल से हमारा हो चुका है दोस्तों रेडी। और अभी यहाँ देखिए चावल हमारा हो चुका है, और सुबह में दाल भी बना चुके हैं, उसे छोंकना है। यहाँ पर सब्जी को आलू प्याज को पहले छोंकते हैं दोस्तों। और अभी दोस्तों हम आ गए हैं, खेत में चल रहे हैं, रास्ते में हैं, तो चल रहे हैं दोस्तों पानी देने अम्मा को खाना, और थोड़ा सा खेत भी आएंगे तभी हम चल रहे हैं दोस्तों खेत में। यहाँ पर देखिए रास्ता है जाने का, ये देखिए ये है हमारा गाँव का। और दोस्तों हमारा खेत बहुत दूर है, नदी किनारे है, तो अभी वहीं पर चलेंगे हम, धीरे धीरे चल रहे हैं, और धूप भी निकल रहा है, तो चलिए चलते हैं, सड़क पे आने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों ये है गांव, ये देखिए चाय का दुकान है, यहाँ पर बाबूजी सब लोग आते हैं। ये देखिए दोस्तों फूफा की दुकान पर आ गए हैं, तो चल रहे हैं थोड़ा बिस्कुट दो पैकेट लेंगे। ये देखिए, हाँ फूफा दे बिस्कुट दे दिया जा, पाल लीजिए। ये देखिए दोस्तों पाल लीजिए, ले रहे हैं। और अभी देखिए दोस्तों फूफा की दुकान पे आए हुए हैं, पैसा दे रहे हैं फूफा के लिए। फूफा वीडियो बना दी फूफा, देखो जा दिखे थे मम्मक पानी दे रहे। और अभी दोस्तों सड़क पे आ गए हैं, ये देखिए अभी चल रहे हैं सड़क पर। वहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी दोस्तों लोग मैच खेल रहे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा था दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं मैच का लुक। ये देखिए दोस्तों गाँव का मैच, यहाँ पर सभी लोग मैच खेल रहे हैं, गाँव के सारे लोग इकट्ठा हैं पूरा। ये देखिए ये हमारा गांव का नज़ारा, ये देखिए गांव का, हम लोग थोड़े छोटे गांव में रहते हैं, यहाँ ये वाला बड़ा गांव है, तो यहाँ पर मैच हो रहा है। और अभी दोस्तों हम आ गए हैं बक्साई पुल के पास में, और यहाँ देखिए ये है एक मंदिर छोटा सा भोलेनाथ जी का, आप सभी देख सकते हैं। और अम्मा हमारी वहाँ दूर खेत में है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, अभी स्थापना सिर्फ हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत भयंकर बढ़िया आता है, सारा धान वगैरह चला जाता है। और वहाँ आगे पुल है, अभी आपको हम दिखाएंगे, हमारी अम्मा वहाँ काफ़ी दूर है, तभी चल रहे हैं हम। ये देखिए दोस्तों जाने का रास्ता खेत में कैसे कैसे है। और अभी दोस्तों हम खेत में पहुँचने वाले हैं अम्मा के पास, अम्मा सुबह 9 बजे आई हुई थी खेत में, तो थोड़ा हम भी जा रहे हैं, तबीयत सही नहीं था तो थोड़ा लेट जा रहे हैं, इसलिए दवा खा करके थोड़ा आराम किए, उसके बाद में फिर चल रहे हैं खेत में। और ये देखिए दोस्तों यह है पुल, आने जाने का रास्ता, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है, सारा पुल के बराबर पानी हो जाता है। देखिए उसी सड़क से दोस्तों हम आए हुए हैं, देखिए सामने टावर दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे आए हैं। और भी दोस्तों देखिए हम घास को निकाल रहे हैं, देखिए हाथ से उखाड़ रहे हैं, ये देखिए इतना सारा घास इसमें लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों बहुत सारा घास खेत में हमारे हो गया है, आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना भयानक घास है खेत में, इसीलिए इसको निकालने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए सिर्फ घास ही घास, बहुत ज़्यादा घास है, जितना बड़ा धान उतने ही बड़ा बराबर घास भी हो चुका है, तो भी चलते धीरे इसको निकाल लेते हैं। और अभी दोस्तों थोड़ा सा खेत निरा चुके हैं, और अभी हम आए हैं दोस्तों पानी पीने के लिए, साथ में एक पार्ले बिस्कुट लेके आए हुए थे, तो अभी चलते थोड़ा सा पानी पियेंगे। और दोस्तों अम्मा जी हमारी चल गए घर, क्योंकि हमारे भैया आए थे ऐसे पुल पर, तो हम उनको बोले कि अम्मा जी को छोड़ देना, तो उनको धीरे धीरे ऐसे गई हैं और पुल के रास्ते से मतलब छोड़ दिए हैं घर, क्योंकि उनके पैर में दोस्तों दिक्कत रहता है, तो जाने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए छोड़ दिए। और वहाँ पर अम्मा बाबूजी भी निरा रहे हैं, ये देखिए खाना भी खा कर भी रेडी होंगे, बाबूजी भी खाना लेकर आए हुए हैं, तो अम्मा भी खा रही हैं। वो चलते दोस्तों हम पानी पीने के लिए। और वहाँ देखिए दोस्तों अम्मा बाबूजी भी काफ़ी दूर हैं, देखिए निरा रहे हैं खेत, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों मौसम ठंडा है, इसलिए अभी तक हम लोग खेत में हैं, 3 बजे तक है, 3 बज चुका है लगभग, और अभी 4-5 बजे जाएंगे यहाँ से, तब तक कुछ और निरा लेंगे, क्योंकि मौसम ठंडा है दोस्तों। देखिए छाता वगैरह लेकर के अम्मा आई हुई थी, चलते हैं दोस्तों पानी पी लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है बिस्कुट पार्ले जी, दुनिया का सबसे नंबर 1 पुराना बिस्कुट, खाने में बहुत ही दोस्तों स्वादिष्ट होते, सभी इसको फाड़ कर के दोस्तों 1-2 खा कर पानी पी लेते, फिर उसके बाद खेत को निराएंगे,
और देखिए दोस्तों सामने पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल के पास भैया हमारे आए थे तो वहाँ से अम्मा को ऐसे अम्मा धीरे धीरे ऐसे रास्ते से गई और उसके बाद लेकर के गए घर छोड़ दिए होंगे। और दोस्तों लगभग तो बहुत खेत निरा चुके हैं, शाम भी हो चुका है दोस्तों, घास को निकाल कर वहाँ पर रख दिए हैं। ये देखिए आप सभी देख सकते हैं ढेर कितना सा लगा हुआ पीछे है हमारे, और भी थोड़ा सा निकालेंगे दोस्तों का। देखिए बहुत काफ़ी हवा चल रहा है, बहुत मस्त, देखिए हमारा धान तो लहरा रहा है कितना सुंदर। देखिए हमारे सामने नदी है और बादल काफ़ी घना छाया हुआ है, ये देखिए। हाँ दोस्तों अभी थोड़ा सा घास निकाल लेते हैं, देखिए कितना भयंकर लगा हुआ था। और दोस्तों आज हमारा वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप वीडियो पूरा अंत तक आप लोग जरूर देखिए, जरूर देखिए, इतना कृपया जरूर आप लोग कीजिए। अभी चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और घास निकालेंगे, उसके बाद चलेंगे घर, बावजी हैं तो। और अभी दोस्तों शाम हो चुका है, शाम के 5 बज गए हैं, तो अभी चले दोस्तों घर। देखिए दोस्तों इतना सारा घास निकला है, बहुत भयंकर घास लगा हुआ था, तो अभी आधा खेत साफ हुआ है दोस्तों, आधा खेत बाकी है तो कल आएंगे। और भी दोस्तों चल रहे हैं हम घर, देखिए खुरपी ले रहे हैं, और पहले तो चुप दोस्तों सड़क किससे चलेंगे हम, क्यों रास्ता बहुत ख़राब है, इधर ढाल वाला रास्ते से नहीं जाएंगे, तो अभी चलेंगे सड़क से ही हम, सामान वगैरह सब ले लें तब भी चलते हैं।